Hello everyone and welcome to today's lecture. So let's start with the today's lecture. Before that, let's have a quick recap that what we have done in the last lecture. That is very important for this question that we have to do today. Okay, so let's start with a quick recap. तो हम देखते हैं कि हमने last lecture में क्या करा था. तो last lecture में हमने करा था series और parallel combination के, और series और parallel combination में याद रखने बाद योग्य बात जो थी उन्हें मैं जरा अगर लिखूं, तो सबसे पहली बात थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम देखा था R2 plus R3, अगर जितने रेसिस्टर्स रहे हैं, so you have to just add them together and you will get the total resistance. इसकी ये क्यों ऐसा हो रहा था, ये सारा कुछ हमने समझा था. तो आप उम्मीद करते हैं आप वहां से पिछले वीडियो के लिंक में, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बटन में दोनों पे डाल दूंगा. वहीं पे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो यहां पे हमने देखा था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड शो ऑन. ओके, सो यू कैन थिंक. ओके, और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पर डॉट 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 मैं यहाँ लगा दूं, तो ये ज्यादा बेहतर है. ओके, उसके बाद ये बात करा था हमने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सीरीज कनेक्शंस होते हैं, सीरीज कनेक्शंस क्या हैं, ये हैं सीरीज कनेक्शंस. ओके, सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू अदर सर्किट, सेम करंट जाता है. वहीं पे जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है, मींस यहाँ V1 जाएगा तो यहाँ V2 जाएगा, यहाँ V3 जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द रेसिस्टेंस व्हाट द रेसिस्टेंस दैट दे आर प्रोवाइडिंग. ओके, उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात की थी. तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में बात करा था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहा था हमने कि वहां होगा करंट डिवीजन. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना चाहें तो एक बारी के लिए देख लें, ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, और यहाँ पे हम R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इसको R3 कह दें, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा, बट थ्रू आउट द सर्किट थ्रू ऑल रेसिस्टेंस वी हैव द सेम वोल्टेज. तो इसी वजह से बेसिकली हमारे घर में हर एक अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिल पाता है, क्योंकि हम जो घरों में करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस करते हैं, पैरेलल कनेक्शंस करते हैं अपने घर में. चलिए, तो आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं, और आज के टॉपिक में हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन ये है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है. ओके, तब तक के लिए हम पहले स्पेस यहाँ क्लियर कर ले थोड़ा सा, और फिर हम उस पर काम करते हैं. तो अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो बहुत आसान है ये देखने में. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी, उनके ऑलमोस्ट हर एक डिटेल्स को मैं निकाल दूंगा, हर एक डिटेल्स को सॉल्व करेंगे. अगर कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे, कोई भी सर्किट डायग्राम लेंगे और उसके हर एक डिटेल्स को हम सॉल्व करेंगे. बट हो सकता है एग्जाम में आपको किसी सर्टेन डेटा के बारे में बात हो, तो आप उसी को ही निकालें, सबको निकालने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो हमारे पास दो रेसिस्टर्स हैं, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, और ये एक पोटेंशियल सप्लाई है. ठीक है, हमें टोटल करंट सर्किट निकालना है, पोटेंशियल थ्रू ईच रेसिस्टर निकालना है, और करंट थ्रू ईच रेसिस्टर निकालना है. तो अभी जस्ट बताया था मैंने कि करंट जो होगा थ्रू, अगर बोथ के थ्रू सेम जाएगा, तो अगर आपने करंट टोटल सर्किट का निकाल लिया तो ये आंसर आपको ऐसे ही हो गया. ठीक है, दोनों के थ्रू सेम करंट जाएगा. तो मींस टेक्निकली देखें तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले हम सर्किट डायग्राम का नेट रेसिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा. नेट ये डॉक्टर नहीं है, यूज करते हैं. ओके, सो नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो लेट्स ऐड देम टुगेदर. सो R1 + R2. ओके, गिवन डेटा आप चाहे तो लिख सकते हैं. ठीक है, आप टॉप में अगर एग्जाम में बना रहे हो तो गिवन डेटा जरूर लिख दें. ठीक, चलिए मैं R1 + R2 तो 7.2 + 4.8, व्हाट विल द आंसर, 8 + 2 = 0, कैरी 1, 7412. ओके, सो 12 ओम का रेसिस्टेंस दे रहा है. अगर रिजल्टेंट सर्किट डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो मतलब ऐसा है कुछ, ये 12 ओम की सप्लाई रेसिस्टेंस है और 6 वोल्ट की सप्लाई है. ठीक, तो नेट करंट क्या होगा, करंट इसी में जा रहा होगा. मैं करंट के डायरेक्शन की बात करूं तो करंट कुछ ऐसा जा रहा होगा और ऐसे चल रहा होगा. ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, माफ कीजिएगा,
तो चलिए ये हमारा 12 ओम का नेट रेसिस्टेंस आ गया है, तो अभी चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल करेंट फाइंड आउट करने का। टोटल करेंट फाइंड आउट करना है तो हमें नेट रेसिस्टेंस जानना पड़ता, ठीक है। तो पढ़ हमने कर लिया, तो अब टोटल करेंट ऑफ द सर्किट, टोटल करेंट ऑफ द सर्किट, ओके, टोटल करेंट क्या हो जाएगा? अगर मैं टोटल करेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? नेट रेसिस्टेंस हमें पता है, तो हम फ्रॉम ओम्स लॉ जानते क्या है? फ्रॉम ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आईआर, ये तो आप सबको याद ही है, ठीक है। ओम्स लॉ भी हमने डिस्कस करा है, तो आप चाहें तो पहले से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या डेटा है, हमारे को निकालना करंट है, तो आई इक्वल्स टू हमने लिख देना है यहाँ पे, और वी बाई आर, तो भी हमें पता है और रेसिस्टेंस भी हमें पता है। टोटल पोटेंशियल है 6 वोल्ट की सप्लाई है, और रेसिस्टेंस है हमारे पास 12 ओम का, सो व्हाट द आंसर विल बी 1/2 एम्पियर, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। ओके चलिए, तो हमने ये भी निकाल लिया, ओके। एक क्वेश्चन और इसमें हम निकाल लेते हैं, पोटेंशियल थ्रू ईच रेसिस्टर्स, ओके। यहाँ पे ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल थ्रू ईच, अच्छा मैंने तो लिख लिया, सॉरी माफ कीजिए। तो पोटेंशियल थ्रू ईच रेसिस्टर, अब देखिए करंट थ्रू ईच रेसिस्टर सेम ही जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट जाता है वो सेम ही जाता है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो यहाँ भी जो आई जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, यहाँ पे भी 0.5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, यहाँ पे भी 0.5 एम्पीयर का करंट जा रहा है। तो देखिए इसी डायग्राम से ही हम डेटा को बहुत आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे पास रेसिस्टेंस इतना है और करंट इतना है, तो V1 अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो V1 बच्चे देखिए कैसे होगा, यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो आई R1, क्योंकि करंट तो थ्रू आउट द सर्किट सेम जा रहा है, तो आई R1 लिखता हूँ मैं, तो आई कितना है बच्चे आपका, तो देखो आप, तो आई है आपके पास 0.5 एम्पीयर, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 7.2, तो ये कितना आ जाएगा, 6.36 वोल्ट, ओके, और उसमें हम देखें तो वो कितना आ जाएगा, V2 को देखें हम एक बार, तो IR2, ओके, तो IR2 कितना जा रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रखा है और ये करंट भी हमें पता है, तो हम IR2 करंट क्योंकि सिमिलर ही जा रहा है, तो 0.5, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 4.8 इक्वल्स टू 2.4 वोल्ट। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, यहाँ पे हम अपने आंसर को चेक भी कर पाएंगे कि क्या हमने सही करा, सारा कुछ जो भी करा है सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ पा रहे हैं या कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमें टोटल जो वोल्टेज है हमारा 6 वोल्ट का था, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन हुआ, ओके, तो इस वोल्टेज डिवीजन करने के लिए हमें देखिए अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो दैट्स गोइंग टू बी 6 वोल्ट, ओके, तो हम यहाँ पे चेक भी कर पाए, अगर हमने सारा डिटेल निकाला तो हम चेक भी कर पाए कि हमने सही करा है या गलत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होने जा रहा है, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम करवाऊँ और छोड़ दूँ तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे, और तब एक सेकंड क्वेश्चन हम लिख लें, हाँ, तो चलिए हमारे पास अब 2 क्वेश्चन और हैं और इनको अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, तो अगर उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे करेंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेसिस्टर इज 1 एम्पियर, इसके थ्रू इन्होंने करंट दे दिया है 1 एम्पियर का, ओके, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम कह देते हैं I1, ओके, तो I1 जो है 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो फाइंड द करंट थ्रू अदर रेसिस्टर्स, ओके, अदर रेसिस्टर्स के थ्रू मीन्स I2 क्या होगा और I3 क्या होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। और इन्होंने सप्लाई भी नहीं दी है कि कितना सप्लाई है, तो आप सोच सकते हैं कैसे निकालें इसको, ठीक है, तो एक बार ये सोचें आप, अगर पॉज करके वीडियो तो सोचें और फिर करते हैं, वैसे मैं तो अभी करूंगा ही, ठीक है, अगर आप सोचना चाहे तो आप पॉज करके वीडियो सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमें एक चीज़ पता है कि सीरीज, बार बार ये स्टेटमेंट आ रहा है
ठीक है, सीरीज में क्या डिवाइड होता है भाई, तो वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है, वहीं पे पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो इस बात का ही हम यूज करने जा रहे हैं, सो वी नो दीज थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे मीन्स इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल 4 ओम के लिए, वही पोटेंशियल 10 ओम रेसिस्टर्स के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम यही यूज करने वाले हैं। और देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे करंट पता है और रेसिस्टेंस पता है, तो वी नो फ्रॉम ओम लॉ, वी नो V equals to IR, so V तुम हमें नहीं पता, V ही तो निकालना है, करंट हमें पता है, तो I1 के केस में अगर देखें तो I1 लिख दें हम यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो है 5 into 1 that is equals to 5 volt की सप्लाई है, means ये 5 volt की सप्लाई है और ये 5 volt यहाँ इन तीनों में ही 5 volt लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो I2 अब मेरे लिए निकालना आसान हो चुका है। तो I2 अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सप्लाई मिल गया है और यहाँ पे हमें I2 निकालना और रेसिस्टेंस पता है, तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी से आप सब्सटीट्यूट करके लिख सकते हैं, तो V बाई R हो जाएगा, V बाई R2, इसको अगर R2 कह दें, ठीक है, मैं इसको R2 कह रहा हूँ, इसको R1 कह रहा हूँ, इसको R3 कह रहा हूँ, ठीक है। तो V बाई R2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, देखिए तो V कितना है आपका, तो V तो 5 है और R2 कितना है, तो 4 है, 5 बाई 4 एम्पियर का करंट इससे पास होने जा रहा है 4 ओम रेसिस्टर्स के थ्रू। I3 की बात करें अगर, तो I3 में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो I3 को देखते हैं हम एक बारी, तो यहाँ पे I3 equals to V by R3 हो जाएगा, सिमिलर पैटर्न यूज करने वाले हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही रह जाएगा, 10 तो 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, ओके। तो अब चाहे आप तो टोटल सर्किट का करंट भी निकाल सकते हैं, टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 plus I2 plus I3, यहाँ से जो डिवीजन हुआ होगा, और आप उसको चेक भी कर सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस निकाल के, टोटल सर्किट के करंट से इक्वल आ रहा है या नहीं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, इट वॉज ईजी। हाँ, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना था कि इसे हमें कैसे करना है, ठीक। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं और देख लीजिए फुल फ्रेम में एक बार, चल और कितने लोगों का आंसर आया है वो बताएंगे एक बारी कमेंट सेक्शन में कि उनका आंसर आया था ईमानदारी से। चल अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो सेम है बट इनके डेटा अलग है। यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि मिक्स ऑफ पैरेलल एंड सीरीज है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग को ज्यादा देखने को मिलते हैं, सिंपल सिंपल सा सीरीज और पैरेलल का कोई पूछता नहीं है जनरली, अगर कंपटीशन या फिर नॉर्मली जो आप स्कूल के एग्जाम देते हैं जहाँ पे थोड़ा सा अगर टीचर को दिमाग खराब हो गया और वो टफ करना चाह रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 R2 और R3 है, R1 के साथ ये R1 R2 और R3 दोनों पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में है, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हमारी टफ तो नहीं है बट थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है या फिर हमें समझ लेना चाहिए और इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेट रेसिस्टेंस निकालने की ओर चलें तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस और उसका जो रिजल्ट आएगा इसके साथ सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, सो लेट्स फाइंड द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट कैसे निकालें बच्चे, तो देखें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो R1 प्लस R2 पैरेलल R3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। तो अगर इन दोनों का पहले अलग एक बार निकाल के दिखा देता हूं आपको,
ठीक है, वैसे देखिए डायरेक्ट मेथड जरा सीखते हैं हम लोग एक बार। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू लिख सकते हैं क्या? ये सिर्फ बट दो के लिए पॉसिबल है, ठीक है, ये दो के लिए पॉसिबल है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। तो चलिए हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा है वो यूज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम आर वन, ये नेट रेसिस्टेंस हो गया, नेट नेट आर नेट लिख लें, आर नेट, आर नेट, ठीक। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा आर टू पैरेलल आर थ्री कितना होगा, तो हम लिखें इसको जरा एक बारी। तो 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम कितना होता दिख रहा है, एलसीएम होता दिख रहा है आपका 424, ओके, एलसीएम आ जाएगा 34, और ये 3 टाइम्स में प्लस ये 2 टाइम्स में इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 24, देयरफॉर आर इज इक्वल, और इतना इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल भी करना होता है हमें, अगर याद नहीं हो तो याद कर लेंगे, ठीक है। तो R2 पैरेलल R3 इज इक्वल्स टू 24/5, ठीक है। तो ये इतना डेटा आया। अब ये जो डेटा है यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, ओके, और फिर R नेट हम क्योंकि सीरीज में है तो इसे हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और वहाँ पे सीधे पुट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास है 7.2, ये रहा 7.2 प्लस 34/5, इसको भी हम डेसिमल को यूज कर दें और यहाँ पे ये लिखें, इसको साफ करें। चल तो एलसीएम अगेन आपका कितना आ जाएगा, इस बार ये रेसिप्रोकल कर लिया था हाँ, तो ये 10 आया, तो ये 72 प्लस ये 2 तो 48, ठीक है, आपको ये आता तो होगा कम से कम, आप टेंथ में हो। चलिए तो ये और 7 7 and 4 कितना हो जाएगा, 11 11 1 12 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 12 ओम का नेट रेजिस्टेंस आया हमारे पास। तो आर नेट हमने निकाल लिया है, आर नेट यहाँ पर देख सकते हैं, आर नेट हमारा आ चुका है। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, टोटल करंट अगर हमें निकालने का जरूरत था, टोटल करंट निकालने के लिए जाएं हम तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए टोटल करंट क्या आ जाएगा मेरे पास, और नेट पता है और ये सप्लाई मैंने नहीं दिया, सप्लाई 6 वोल्ट की थी, ठीक है 6 वोल्ट, ओके। तो करंट कितना आ जाएगा बच्चे, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12, ये टोटल वोल्टेज फर्स्ट एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल्स टू 6/12, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो इस सर्किट में 0.5 एम्पीयर का करंट चल रहा है, ऐसे 0.5 एम्पीयर का करंट ऐसे चल रहा है, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, हम चाह रहे हैं पोटेंशियल थ्रू ईच रेसिस्टर्स एंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को बड़ा करके कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट्स का डेटा निकाल रहा हूँ, तो आप परेशान नहीं होंगे अगर ये लंबा हो रहा होगा तो, ठीक है। तो चलिए हमारे पास ये आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम लिख लें, जो करंट है यहाँ पे I इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं 0.5 और R नेट भी लिख लेते हैं, R नेट इक्वल्स टू 12 ओम, ओके बच्चे। तो इसको अब साफ किया जाए और हमें चाहिए यहाँ पे देखिए, ये दोनों का रिजल्टेंट सर्किट बनेगा जो हमारा आया था 24/5। अगर मैं नेट सीरीज में एक सर्किट बनाऊँ, इन दोनों को रिजल्टेंट करके, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निकाल के एक सर्किट बनाऊँ, तो मैं यहाँ एक रफ सर्किट बनाऊँ तो क्या बनेगा, मेरा ऐसा कुछ बनता दिखेगा, क्योंकि वो जो दोनों पैरेलल में हैं उसको मैंने एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा था मैं, क्योंकि यही हमने किया भी है। तो ये था 24 डिवाइडेड बाय 5 और ये था 7.2 और ये 6 वोल्ट की सप्लाई।
तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज, इसका कुछ वोल्टेज V1 होगा, इसका कुछ वोल्टेज V2 होगा, ठीक है। तो हम ये V1 और V2 निकालने में इंटरेस्टेड हैं। करंट तो इसमें तो वही जा रहा होगा, यहाँ पे जरूर करंट का डिवीजन हुआ होगा। मींस अगर आप ये कहें तो करंट यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे आके कुछ ना कुछ जरूर डिवीजन हुआ होगा। तो जिसको यहाँ तक हम I कह रहे हैं तो इसको I1 और इसको I2 कह लेते हैं। यहाँ तक ये करंट कितना था, हमारा I था। वापिस से ये I2 और I1 यहाँ मिल गए, यहाँ वापिस से यहाँ पे I1 और I2 मिल के वापिस से यहाँ पे I बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो रहा है, ऐसे डिवाइड हुआ और फिर आके ऐसे मिल गया, ठीक। तो चलिए इसका हम काम करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन करवाना पड़ेगा और उसके आगे ही हम कुछ काम कर पाएंगे। चलिए तो इसको साफ किया जाए, ये हाँ ये तो लिख दिया ना उधर। हाँ चलिए बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग तो थके ना हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 6 वोल्ट था, तो यहाँ से 6 वोल्ट आया और करंट हमें सर्किट पे पता है कितना भाई, 0.5 एम्प का करंट है। तो V1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो V1 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 7.2 × 0.5 = 3.6 वोल्ट। ये इन्होंने कंज्यूम कर लिया। तो अगर आपको नेक्स्ट निकालने का नहीं मन है तो आप डायरेक्ट यहीं से सब्सट्रैक्ट करके इससे बता सकते हैं कि इसमें कि अगर चलिए मैं डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करके एक बार बताता हूँ तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2.4 होना चाहिए। और सॉल्व करके देखते हैं, हमारा आना चाहिए यहाँ पे कितना, 2.4 वोल्ट कंजम्पशन आना चाहिए। सॉल्व भी करके देखते हैं हम लोग। चलिए V2 देखिए तो कितना आना चाहिए, V2 R, ये हमारा R 24/5 × 0.5। तो यहाँ से देखिए एक डेसिमल से एक डेसिमल यहाँ पे और ये कैंसिल, 2.4 आया सेम, ठीक है। तो दो में हम सब्सट्रैक्ट करके बता सकते थे आसानी से, मतलब नेट रेसिस्ट नेट वोल्टेज जो होगा वो 6 वोल्ट होगा। तो एक हमें पता था, दूसरा हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे और हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई मिल गया। अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पे मुझे एक वोल्टेज सप्लाई मिल चुका है जो कि कितने का है, 2.4 वोल्ट का। तो इस सर्किट को आप बाहर निकाल सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इस सर्किट को वहाँ से आप बाहर निकाल के एक सेपरेट पैरेलल सर्किट्स की तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थके नहीं बस आप, कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो इसको मैं अगर बाहर निकालूं तो वहां पे अगर आप उसको देखें उस पार्ट को, अच्छे से चल नहीं रहा है, ग्रीन यूज करते हैं, तो वो 2.4 वोल्ट की सप्लाई हो गई। तो इसे मैं 2.4 वोल्ट की सप्लाई कह दूं, ओके। और यहाँ पे जो है एक पैरेलल रेसिस्टर है जो कि 8 ओम का है, यहाँ पे एक पैरेलल रेसिस्टर है जो कि कितने ओम का है, ये यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 12। तो हमें पता करना, हमें करंट भी पता है सर्किट का, तो करंट यहाँ तक आया था 0.5, यहाँ पे डिवीजन कुछ हुआ होगा, ठीक। तो चलिए सर्किट में वोल्टेज पता है तो हम अगर यहाँ जो हमने उसको I1 कहा था, ठीक है, तो I1 = हम अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये ओम, तो I1 = V by R 1, ओके। तो V कितना था हमारा, V है हमारे पास 2.4 divided by R1 divided by 8, ये इसे कैंसिल आउट, 0.3 एम्प। तो आप इससे भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें 0.2 एम्प जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0.5 एम्प है। अगर I2 मैं निकालूं तो V R2, तो यहाँ पे हमारे पास है 2.4 divided by 12, तो ये 2 times में 0.2 times में कर सकते हैं, ठीक ना, तो 0.2 एम्प, ओके।
तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म हुआ और इसके मैंने सारे चीज, सारे कंपोनेंट, सारा मुझे से यहाँ के बारे में पूछे, मैं इसके बारे में सारे डिटेल दे सकता हूँ, यहाँ के बारे में पूछे सारे डिटेल मैं दे सकता हूँ, वहाँ कितना करेंट, कितना वोल्टेज और क्या रेसिस्टेंस, सब कुछ दे सकता है हम, ठीक है। और उसको हम चेक भी कर पा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डिस्पाइट दिस वीडियो इज क्वाइट लॉन्ग, यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।